नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। छठा दिन है नामांकन का, ऐसे में तमाम दिग्गज एक साथ चुनावी मैदान में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने जिले में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए बाहुबली सुरेंद्र यादव जो है, जो कि लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं, करोड़पति हैं, टेम्पू से पहुंच गए हैं नामांकन करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के गया की, जहां पर टेम्पू पर सवार हैं सुरेंद्र यादव और पहुंचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब पहले चरण के लिए नॉमिनेशन के लिए 48 घंटे के आसपास का वक्त बचा है, लिहाजा तमाम जो उम्मीदवार हैं वो सिंबल लेने के बाद नॉमिनेशन जो है वो करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के दिग्गज नेता और बेलागंज की पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव जो है वो अपने आवास से कार्यकर्ताओं के साथ टेम्पो पर सवार होकर के नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंचे हैं। सुरेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा है कि उनके विरोध में कोई नहीं है, पार्टी ने जो आदेश किया है उस आदेश के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। पहले क्या कुछ कहा है ये सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 232 विधानसभा बेलागंज के क्षेत्र से हमको सिंबल निर्माण अलॉटमेंट हुआ है और टिकट प्राप्त हुआ है, तो आज हम अपना विधिवत सरकारी तौर पर नॉमिनेशन दायर किए हैं। और जो नॉमिनेशन हमारा DDC साहब जो लिए हैं वो संतुष्ट और उन्हें आश्वासन दिया कि फिर भी इसको हम एक बार और जांच कर लेंगे, पर ऐसे नॉमिनेशन आता सही है। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुए हैं उसको भी किसी पार्टी से बनाया गया है मेंबर, तो प्रतिनिधि के रूप में बेचारा आया है, तो प्रतिनिधि में उस पार्टी के लोग उसको सिंबल दिया है, तो उसको लड़ना ही ना है। जहां आदेश होगा पार्टी के लड़ना है, अगर हमारा पार्टी कहीं हमको और भेज दे तो हमको तो जाना है। समझ जाइए कि एक तरह से पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो जो आला कमान के और पार्टी का आदेश होता है वहाँ जाना ही जाना है, तो उसमें कोई अफसोस की बात और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा छोटा भाई है और हम उसको बड़ा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं और देते रहेंगे, उस पर कोई दो राय नहीं है। और ऐसे भी जिस विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 30 साल हमारा कैरियर रहा है और उन उम्मीदवार के रूप में 30 साल सेवा किए जनता के बीच में, तो लोग हमको जानते हैं बेला में। बेला में कोई झमेला नहीं है, बेला में वहाँ के जो मालिक लोग हैं अपने आप में अलबेला है और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। और हम समझते हैं कि विधानसभा में कुछ तो स्वर के स्टेडियम नहीं लगा है, और अपने जानते हमारा जितना चल सकता था बन सकता था उस क्षेत्र को हमने सजाया है, बनाया है, किया भी। सुरेंद्र यादव की बात करें तो वो बिहार के गया के बेलागंज विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह कि बेलागंज विधानसभा से आने वाले सुरेंद्र यादव जो हैं वो बाहुबली छवि के माने जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं, लेकिन चुनाव में नॉमिनेशन करने के लिए जिस तरीके से वो टेम्पो में सवार होकर गए हैं उसके बाद पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया है। छोड़ जाते हैं आपको वीडियो के साथ।